नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपर लिप, यानी कि होठों के ऊपर होने वाले जितने भी बाल होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, उसको आप कुछ घरेलू उपायों को कर बिल्कुल आराम पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए लड़कियाँ क्या कुछ नहीं करती, अपने आँखों से लेकर लिप यानी कि होठों का पूरा ख्याल रखती हैं। बहुत सी लड़कियों के अपर लिप नेचुरली बाल होते हैं जिन्हें छिपाने के लिए लड़कियां वैक्सिंग का सहारा लेती हैं, लेकिन इसमें दर्द भी काफी है जिससे काफी लड़कियां सहन नहीं कर पाती, और इसी दर्द से बचने के लिए लड़कियां अपर लिप करवाने से बचती हैं। लेकिन अपर लिप पर मौजूद बाल कई बार हमारी शर्मिंदगी का कारण भी बनती हैं। ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर इनके इस्तेमाल से आप नेचुरली तरीके से अपर लिप के बालों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हीं में पहला है हल्दी और पानी का प्रयोग। अपर लिप बाल हटाने के लिए एक बड़े चम्मच में हल्दी का थोड़ा सा पानी मिला दें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपर लिप के हेयर पर लगाएं और थोड़ी देर बाद रगड़कर बिल्कुल साफ कर लें। इस नुस्खे को हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल करें, आपके अपर लिप के जितने बाल हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरा है नींबू और पानी। नींबू के रस में पानी और चीनी मिला दें, फिर इस पेस्ट को पतला सा बना लें। अब इसे अपने होठों को ऊपर लगा दें, 15 मिनट बाद पानी से धो लें, इससे अपर लिप हेयर छिप जाते हैं। जी हाँ, तीसरा है अंडा और आटा। अपर लिप के बाल हटाने के लिए अंडे की सफ़ेद भाग में 1 चम्मच आटा और चीनी को मिला दें। इस पेस्ट को अपने होठों के ऊपरी हिस्से पर लगाएं और आधे घंटे बाद इसे धो लें। इस नुस्खे को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से ही आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हल्दी और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 चम्मच हल्दी में दूध मिलाकर पतला सा पेस्ट बनाएं और अपर लिप के हेयर पर लगा दें। सूखने के बाद पेस्ट को रगड़कर साफ कर लें। इससे अपर लिप के बालों से जल्द ही छुटकारा आपको मिल जाएगा। चीनी और नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। चीनी मृत त्वचा को हटाकर अनचाहे बालों को जड़ से खत्म कर देती है। एक कढ़ाई में नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच चीनी मिलाएं और उबाल लगा दें। जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए, इस पेस्ट को अपर लिप पर लगाएं और फिर कपड़े की मदद से सर्कुलेशन मोशन में यानी कि घुमाते हुए रगड़कर साफ करते रहें, जिससे आपकी ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।